मिशन कंप्लीट पहुँच गए हैं, अभी आई एस बी टी पहुँच गए यानी कि कश्मीरी गए, अब यहाँ से निकलूँगा जहाँ मिशन कंप्लीट। दूसरा शुरू पर नहीं ब्लाइंड फुटबॉल और ब्लाइंड फुटबॉल की प्रोग्रेस डेवलपमेंट के जी फर्स्ट में रोहतक लगे जाएंगे तो ज़रूर, क्योंकि बात जो खेलों की है और कहाँ जा रहा हूँ ये वहाँ जाने के बाद ही बताऊँगा। क्यों जा रहा हूँ ये बता देता हूँ कि ब्लाइंड फुटबॉल गेम उसके अलावा और क्या बताइए। हो रहे हैं इस वक्त 10:36 तो छत्तीस नहीं बल्कि 10:40 पहुंच गया हूं मैं रोहतक बस स्टैंड। मेरे पीछे है रोहतक बस स्टैंड का प्रवेश द्वार और अभी सर ने फ़ोन उठाया तो सर आ रहे लेने के लिए। फिर पहुंचेंगे हम कहाँ, नारी गैस फाउंडेशन रोहतक। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आज मैं हूँ रोहतक में यानी कि नारी उदय फाउंडेशन। मैंने कहा था कि यहाँ पहुँचूँगा और काम वही तो यहाँ पहुँचे हुए। ये हैं प्रिंसिपल साहब यहाँ खड़े हैं सर। गुड मॉर्निंग, चले फिर। तो ये हैं और ये देखिए सपाटे गर्ल, इससे भी मिलाऊँगा आपको सबको एक एक करके। गुड मॉर्निंग, अभी सब आ रहे हैं धीरे धीरे। ये किशन सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, तो यहाँ पहुँचा हूँ मैं, काम वही है और बाकी धीरे धीरे आपको सब दिखाऊँगा, सबसे मिलाऊँगा एक एक करके। तो ये निकल गए हम नारी उदय फाउंडेशन से, अपना उदय करने निकले हैं और फाउंडेशन का उदय करने निकले हैं। सेशन वन ये निकले सर, गर्ल्स एंड बॉयज़ की टीम ग्राउंड की तरफ अपनी बोतलें लेके, पानी की बोतलें, ये देखिए छोटा सा बैग खाने का आइटम भर के लेके जा रही है। और ये रहे सर, अब निकल रहे, चले सर फिर जी। तो अब थोड़ी देर बाद वापस आएंगे अपना उदय करने, अपने फाउंडेशन का उदय करने, नारी उदय फाउंडेशन से निकले मैदान की तरफ। ये है ग्राउंड की तरफ एंटर कर रहे हैं लोग, ये है ग्राउंड जहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं हम। ये रहा ओपन स्पेस है लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा है, चारों तरफ से बंद भी है। ये पहुँचे हम यहाँ ग्राउंड में, और अभी ब्रेक ब्रेक में पहले चने भिगे हुए, चने स्प्राउट्स और उसके बाद सेब, ये सब सेब खा रहे हैं अभी एप्पल, और उसके बाद में हम फिर चलेंगे। हमें कम से कम अभी हो चुका है 2 घंटा और उसके बाद में अभी 1 घंटा और करने वाले हैं, फिर हम निकल जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट के बाद में दूसरा सेशन 10 या 10:30 से 1 से 1.5 घंटा, फिर तीसरा सेशन लंच के बाद मेंटल सेशन जहाँ पर हम गेम की बातें और बाकी सिचुएशनल बातें करेंगे, और उसके बाद में फिर हम लास्ट सेशन करेंगे शाम को आज 1.5 से 2 घंटे का। फिलहाल ये ब्रेक, पहले सेशन के बाद बैग हो गया पैक, साहब हो गए हैं तैयार, अब वापस चलते हैं क्योंकि फिर साहब आएंगे। सेशन नंबर 2 में मुलाकात होगी और जो सेशन नंबर 2 होगा वो शुरू होगा हमारा 10 से 10:30। ये जा रहे हैं अभी लाइन में हम ग्राउंड से बाहर। ये है हमारी जूनियर कोच, ये देखें, और प्रिंसिपल सर तो बिल्कुल बच्चे बने हुए हैं आज क्योंकि बच्चों के साथ ही खेल रहे हैं। गोलकीपर हैं इनके, बहुत कोऑपरेटिव और बहुत अच्छे से कराते हैं सब कुछ। विनय जा रही है तो अब हम ये करके चले गए। अब जा रहे हैं हम अपने नारी उदय फाउंडेशन अंदर, ये मैदान को प्रणाम करते हुए, ग्राउंड को बिल्कुल करना भी चाहिए क्योंकि ग्राउंड ही है जो एक खिलाड़ी को सब कुछ देता है। तो अब हम निकल लिए यहाँ से सीधे फाउंडेशन की तरफ को, और फाउंडेशन बिल्कुल नज़दीक में ही है, यहाँ से 4 कदम पर, यहाँ से बिल्कुल 4 कदम। मुझे ये ब्रेक होता है 10 मिनट का जिसमें सबको फ्रूट्स और फ्रूटी जो मिलते हैं सर दे रहे हैं खुद यहाँ पर, तो सबको मिलता है जितने भी करने वाले हैं। अभी क्लासेस 10 मिनट के लिए ब्रेक होता है और उस 10 मिनट के ब्रेक में ये सबको खाने का कुछ भी रिफ्रेशमेंट वो मिलता है। तो अभी है ब्रेक टाइम, इसके बाद हम भी चलेंगे ग्राउंड की तरफ। बाहर धूप है लेकिन जहाँ पर ग्राउंड है वो छाया है, तो इसलिए हम अभी करेंगे दूसरा सेशन। करने की जिद हो तो क्या धूप, क्या गर्मी और क्या हमारा दिन
का टाइम क्या था फिलहाल सेकंड सेशन जो किकिंग पर कंसंट्रेटेड है, किकिंग पर फोकस्ड सेशन टू तो भले ही ज़्यादा है जलने वाली, लेकिन वो ये है ना कि अगर जज्बा है और करना है तो बस करना है। जोर से गुड शॉट, थोड़ा किनारे, सिर्फ सुना नहीं बस। उनका तीसरा सेशन चल दिए हम कभी के लिए, जहाँ सब कुछ बताएंगे थोड़ा ग्राउंड फुटबॉल के बारे में, सब बताएंगे कि होता क्या है, किस तरह से खेलना, टीम के अंदर सब कुछ, और उसके बाद फिर दिन का चौथा सेशन लास्ट सेशन होगा। हेक्टिक है लेकिन बहुत मज़ेदार है, और मैं हमारे इधर फाउंडेशन जब तक में हूँ, इसको मेहमान नवाजी ज़बरदस्त और अमेजिंग टैलेंट, और आने वाले टाइम में देखते हैं कि कितना कुछ ये कर पाते हैं और करके लेके आते हैं सब कुछ, एक बार फिर से निकलते हैं। इनका चौथा सेशन है ये अभी लास्ट सेशन, अब गेम कि किस तरह से गेम में निकलते हैं, कैसे आते हैं टीम में, तो वो चीज़ बताना है। दो टीमों में डिवाइड कर दिया है, दो टीमों में डिवाइड करने के बाद में अब पता चलेगा कि कैसे कितना समझे हैं। तो एक दिन में चार, जिसमें से तीसरा सेशन अंदर का था यानी कि क्लासरूम में, जहाँ गेम के बारे में बताया और गेम कराया। अब ये लास्ट सेशन है यहाँ पर के साथ में मेरा, हमारे उदय फाउंडेशन रोहतक, इसके बाद मुलाकात होगी लुधियाना नॉर्थ सेंट्रल जोन में। सो वार्म अप विद बॉल पहला, वार्म अप विद बॉल ताकि उनको पता लग जाए कि होता क्या है। गर्ल्स और इस तरफ है बॉयज। चार सेशन करने के बाद में अब तैयार हो गए वापसी के लिए, तो पहले दिल्ली और दिल्ली से फिर जाएंगे सीधे देहरादून। सो थैंक यू नारी उदय फाउंडेशन, आप सब ने बहुत प्यार दिया, मना कि टाइम कम था लेकिन जो भी किया, एंड आई होप कि जितनी भी चीज़ें बताते गए हों या कोशिश करिए बताने की, इन चार सेशंस में आप लोगों को जर्नल में इम्प्लीमेंट करते देखूंगा, वो आप लोगों को करते देखूंगा। आपको ऑल द बेस्ट जर्नल के लिए एंड ब्लाइंड फुटबॉल फिट हो गए दिल्ली। बिल्कुल सर, में लगना है अब जाने की तैयारी, तो कहीं भी जाते हैं तो जाने का तो होता ही है, पढ़ा नारी उदय फाउंडेशन में, और अब चलते हैं वापस दिल्ली और वहाँ से।